नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं बताऊंगा कि टर्मरिक पर हम जो सेकंड फर्टिगेशन कर रहे हैं वो किस किस फर्टिलाइजर का यूज़ कर रहे हैं इसमें हम। तो बताने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप कभी मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आज हम जो फर्टिगेशन करेंगे उसमें हम यूरिया लेंगे 13045 लेंगे और एक हम होमिक एसिड लेंगे। अब हम इसमें जो यूरिया की मात्रा लेंगे वो 13 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे, 13045 जो लेंगे 12 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे, और जो होमिक एसिड है वो हम 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से लेंगे। अब इन तीनों को अच्छे तरीके से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद यूरिया और 13045 को अच्छे प्रकार से घोल लेते हैं ताकि जो हमारा पानी में उसका जो सॉल्यूशन है वो अच्छे तरीके से बन जाए और जो यूरिया और 13045 है वो बचे ना। तो इस प्रकार हम पूरा सॉल्यूशन बनाने के बाद में हम इसको फर्टिगेशन करते हैं। हम फर्टिगेशन जो करते हैं आपको मैंने पिछली बार बताया था, जैसे कि जो हम वेंचुरी की सहायता से इसको फर्टिगेशन करते हैं और जो हमारा फर्टिलाइजर है वो धीरे धीरे करके सक करके पूरा के पूरा अपने फील्ड में चले जाएगा जो हमने जहाँ पर हमको देना है। तो इस प्रकार हम फर्टिगेशन करते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा दिखेगा कि हम किस प्रकार से कर रहे हैं और लास्ट तक हम किस तरीके से करेंगे। तो आपको जो मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगेगी तो मेरा वीडियो पूरा देखिए कि लास्ट तक देखिए कि हम किस प्रकार से हम फर्टिगेशन कर रहे हैं। दोस्तों देखो, हम एक कर कर सभी फर्टिलाइजर अपना यूरिया और 13045 डालते हैं। पहले हम यूरिया हमने इसलिए डाला है क्योंकि यूरिया को हम पहले अच्छे तरीके से घोल लेते हैं, क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा है इसलिए घोलने में दिक्कत जाएगी, इसलिए हम यूरिया को अच्छे तरीके से घोल लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। और उसके बाद में हम धीरे धीरे करके 13045 डालेंगे, जिससे कि ये ऐसा होगा कि जो 13045 हम धीरे धीरे डालेंगे तो जो हमारा यूरिया ऑलरेडी घुल चुका है तो हम 13045 डालेंगे तो उसको घोलने में ज़्यादा दिक्कत ना होगी। आप देख रहे हो कि हम जो पैकेट यूज़ कर रहे हैं तो एक करके धीरे धीरे हम डाल रहे हैं। देखिए, एक करके डालेंगे तो क्या घुलने में दिक्कत ना होगी और जो हमारा फर्टिलाइजर है वो भी पूरी तरीके से घुल जाएगा और अच्छी तरीके से घुलने के कारण वो पौधों को भी पूरी तरीके से मिलेगा। तो इसलिए आप जब भी घोल बनाओ तो एक एक फर्टिलाइजर का घोल बनाओ ताकि फर्टिलाइजर अच्छी तरीके से घुल जाए और जो फर्टिलाइजर घुल जाए और जो उसका जो रॉ मटेरियल है वो थोड़ा बहुत बचता ही है लास्ट में। तो आपको एक आधे किलो का भी, आप ज़्यादा मात्रा में कभी फर्टिगेशन कर रहे हो फर्टिलाइजर का यूज़ करके, तो थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल आपको लास्ट में बच ही जाएगा आपका, क्योंकि रॉ मटेरियल का जो यूज़ होता है वो बच जाता है। तो जिस प्रकार हम घोल रहे, देखो किस प्रकार से हम डंडा चला रहे हैं इसमें कि ताकि पूरी तरीके से सॉल्यूशन अच्छे घुल जाए, और तो आप देख ही रहे हो। और अब हम इसको घोलने के बाद में हम अच्छे तरीके से घोलने के बाद में हम इसमें लास्ट में हम डालेंगे होमिक एसिड, क्योंकि होमिक एसिड तो लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म में होने के कारण इसको घोलने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। डालने के बाद में थोड़ी लकड़ी चलाने के बाद में अच्छे तरीके से मिल जाएगा और फिर हम पूरी तरीके से इसको मिलाने के बाद में फिर हम फर्टिगेशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों देखिए कि हम फर्टिगेशन जब करेंगे तो लास्ट का एंड भी देखना ताकि आपको समझ में आए कि हम किस प्रकार से इसको पूरी तरीके से हम फर्टिगेशन करते हैं।